योगी ने तरकुलानी रेगुलेटर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। 145 करोड़ से अधिक की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव कार्यक्रमों का हुआ ऐलान। 8 जुलाई को नामांकन और 10 जुलाई को मतदान के बाद होगी मतगणना। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। एक साथ यूपी समेत कई राज्यों में मारे छापे। दर्ज की 190 एफआईआर। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मायावती का तंज। कहा मुंह में राम बगल में छुरी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का मुख्तार अब्बास नकवी ने किया समर्थन। बोले संघ की सकारात्मक छवि देखकर बौखलाया गुमराही गया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में एक लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बना रिवर फ्रंट अब भ्रष्टाचार की जंजीरों में कसता नजर आ रहा है। दरअसल सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में बने रिवर फ्रंट पर लगे घोटाले के आरोपों की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कई जिलों में छापेमारी की है। इस मामले को लेकर सीबीआई की टीम ने सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक में छापेमारी की। वहीं सीबीआई के निशाने पर कांग्रेसी नेता राकेश भाटी भी हैं। कांग्रेस नेता राकेश भाटी के घर सीबीआई ने छापेमारी की। 4 घंटे तक सीबीआई की जांच जारी रही। 1500 करोड़ के घोटाले को लेकर राकेश भाटी ने इनकार किया है। गोमती रिवर फ्रंट की जांच चल रही है। हमने वहाँ काम किया था, उस संबंध में लोग आए थे सर्च वारंट लेके। अब इन्होंने घर में हमारी तलाशी ली, जो उन्हें कुछ मिला। अरे कितने घंटे आप यहाँ सीबीआई? 3-4 घंटे। अब सियासी आप समझ सकते हैं कि अब इस गवर्नमेंट के बारे में मैं क्या कहूँ। इन्हें तो जो भी थोड़ा दिखाई देगा कि हाँ भाई ये दमदार लोग हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमे, उनके खिलाफ ये जाँच। ये 2022 का चुनाव आ रहा है, आप सब लोग समझ सकते हैं। आपने सर वहाँ पर फ्रंट पर क्या काम किया था, कौन सा प्रोजेक्ट आपके पास था, लगभग कितना बजट का प्रोजेक्ट था आपके पास? लेकिन ये 5 साल हो गए इन सभी बातों को। मैं तो काम करता ही हूँ, मेरा काम, मैं कॉन्ट्रेक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर हूँ। इरिगेशन भैया। वहीं बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के गोरखपुर निवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने गोरखपुर में छापेमारी की है। वहीं यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सीबीआई की छापेमारी की गई। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग ने रिवर फ्रंट घोटाले में करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वह इस कार्रवाई में अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो गोरखपुर से खबर बता रहे जहां पर रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पूरे मामले का मसला समझ में नहीं आया। आपको बता दें कि रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने गोरखपुर में भी छापेमारी की। वहीं यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सीबीआई की छापेमारी की गई। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग ने रिवर फ्रंट घोटाले में करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वह इस कार्रवाई में अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। वहीं आगरा में न्यू दक्षिणी बाईपास पर दिनदहाड़े लूट हुई। लोगों का कहना है कि थाना अश्रेणा क्षेत्र में लूट का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। बाइक सवार लुटेरों ने महिला की चैन लूट ली। इस दौरान महिला को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं बाइक सवार लुटेरे मौके से फरार हो गए। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान आला अधिकारी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस कप्तान ने तत्काल 3 टीमों का गठन किया है। पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 4 बजे के आसपास। भाई और उसका बहन दोनों अपना ससुराल से मायके जा रही थी मथुरा में। वो रास्ते में जाते समय केटम हाईवे पर 2 लड़के मोटरसाइकिल पीछे आए थे, उनसे चापटा मारा है। चापटा मारते समय जो लड़की है वो पीछे गिर गया है, और उनका चापटा मार गिरने से वो उनका पीछे से चोट लग गया था सिर पे। और तुरंत उन लोग भाई लोग तुरंत गांव को बगल में है, तो तुरंत भाई लोगों ने सभी हॉस्पिटल ले गए थे, प्रभा हॉस्पिटल और रेनबो हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में जाते थे वहाँ इलाज के तुरंत मृत्यु हो गई है, मृत घोषित हुए है, और अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हम लोग। और हम मौके पर घटना सर्वेक्षण किया है, हमारा टीम लगी है, जो लड़के पीछे कौन आया है यह सब चीज़ हम लोग लगी है। अभी कुछ आसपास घटनास्थल पर कुछ लोग कुछ लड़के के पहचान है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता ममता। तो ममता, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या कुछ पूरा मामला है। जी अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि ये मामला फतेहपुर सीकरी साइड का है, जहां एक बाइक पर सवार होकर एक बहन और भाई दोनों लोग जा रहे थे। वहीं उनके पीछे उनको अकेला देख करके उन दो बाइक सवारों ने उनका पीछा किया और उन पीछा करके उन चूंकि उनकी जो बहन जो बाइक पर पीछे बैठी हुई थी उस वो कुछ जेवरात कीमती पहने हुई थी, इसको लेकर के उन्होंने लूट के मकसद से उनका पीछा किया और उनको झपट्टा मारा और टक्कर भी मारी उस बाइक में, जिसके तहत वो जो बहन बैठी थी। ममता, जिस तरह से लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस कप्तान ने तत्काल 3 टीमों का भी गठन किया है, तो क्या अभी तक पुलिस के हाथों ये जो लुटेरे हैं वो हाथ लगे हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल, बता दूं मैं आपको कि अभी पुलिस बराबर दबिशें दे रही है, जो पहचान कुछ लोगों की पहचान हुई है उसके अकॉर्डिंग पुलिस दबिशें दे रही है। फिलहाल अब तक कोई पुलिस की गिरफ्त में आ नहीं पाया, गिरफ्त से दूर है। ममता, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने श्याम नगर स्थित हरिहर धाम में अपने गुरु त्रष्टा हरिदास से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन से हमले को लेकर बोला कि देशवासियों को आश्वस्त कराता हूं कि देश पूरी तरह सुरक्षित है, जो भी चैलेंजेस सामने आएंगे हमारी आर्मी निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। ये कह रहे हैं मुसलमानों में डर पैदा किया गया है, इससे वोटों की। नहीं नहीं, वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा जिस विचारधारा को हम लोग मानने वाले हैं उस पर वो लोग कभी इस प्रकार की बात नहीं करते। और धर्मांतरण अथवा कोई जब अन्य कोई यदि प्रश्न होगा तो कानून के दायरे में कोई भी यदि आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी जात पंथ और मजहब। वही उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम होने के साथ ही जनजीवन सामान्य हो रहा है। प्रदेश सरकार चरणवार लोगों का राहत लगातार दे रही है। वहीं प्रदेश में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार से उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम खुल गए हैं। इनको भी 5 दिन खोला जाएगा। इस दौरान भी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का बेहद सख्ती से पालन करना होगा। सभी जगह पर सरकार निगरानी करेगी। वहीं इस संबंध में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सप्ताह में 5 दिन खुल सकेंगे। लखनऊ के आशियाना के जिम संचालक अनिरुद्ध सिंह ने योगी सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि जिम में आने से पहले कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, साथ ही जिम को हर दिन सैनिटाइज भी किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है और मैं लखनऊ में एक जिम चलाता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जिम खोलने की परमिशन दी। साथ ही साथ मैं उन सभी मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं जो एक जिम ओनर हैं, जो एक जिम संचालक हैं, जो जिम चला रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लाइंट से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करें, पूरी तरह से अपना सैनिटाइजर कैरी करें, वैक्सीन लगवाएं, साथ ही साथ हो सके तो फेस शील्ड, ग्लव्स लेकर जिम में आएं और जिम में बहुत अनुशासित तरीके से भीड़ ना बढ़ाएं और बहुत अनुशासित। वही आर्थिक तंगी से जूझ रहे बीएसएनएल के मैनेजमेंट द्वारा कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यूनियन के उपाध्यक्ष शिव सेवक उपाध्याय ने कहा है कि कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की मौत हो गई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। कोरोना काल में हजारों कर्मचारियों के पैसे काटे गए हैं, आखिर क्यों? उन्होंने कहा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी रद्द कर नई पॉलिसी बनाई जाए और इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल सुविधाओं में भी सुधार किया जाए। स्पेक्ट्रम 4G, 5G इसके बारे में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बदहाल है, उसको ठीक करने के बारे में जहाँ जहाँ पर भी लोगों के कॉल डाइवर्ट हो जाते हैं, कॉल पास नहीं हो पाते हैं, तमाम तरीके से दिक्कतें आती हैं जिसके कारण से लोग BSNL छोड़ करके दूसरी कंपनियों में अपना नंबर पोर्ट कराते हैं, उस प्रमुख समस्या को दूर कराने के लिए। साथ ही साथ देश की जो स्थिति आज BSNL देश की स्थिति में BSNL का जो रूप आया है उसके लिए ITS अधिकारी जिम्मेदार हैं। कर्मचारियों का तो सब कुछ हो गया,
कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया, बल्कि वीआरएस नहीं कहा जाए, अधिकारियों ने सीआरएस के रूप में उसको कराया, लेकिन आईटीएस जिन्होंने कराया वो कब जाएंगे? आईटीएस की भी संख्या इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आईटीएस को भी इमीडिएट उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अजहर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें आर्थिक तंगी से जूझते बीएसएनएल के मैनेजमेंट द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। वहीं टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के उपाध्यक्ष का कहना है कि कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के चीफ पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें वहीं यूनियन के उपाध्यक्ष सेवक उपाध्याय ने कहा कि उपाध्यक्ष, टेलीकॉम एम्प्लॉय यूनियन की मांग है कि कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की मौत हो गई है उन्हें उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। और यही नहीं, कोरोना काल में हजारों कर्मचारियों के पैसे काटे गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी रद्द कर दी, नई पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले मेडिकल सुविधाओं से सुधार किया जाए एवं लंबित बिलों का तुरंत भुगतान हो। जी प्रियंका जी, क्या लगता है जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी को रद्द करके नई पॉलिसी बनाई जाए, तो क्या लगता है इससे किस तरह का जो बीएसएनएल कर्मचारी है उनको किस तरह से फायदा मिलने वाला है? जी बिल्कुल, अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो इससे कई तरह के सुधार देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि उन्होंने, उनका कहना है कि जो 5G 4G स्पेक्ट्रम है उसका ठीक से संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोग अलग अलग नेटवर्क में अपने नेटवर्क को पोर्ट करा रहे हैं, जिससे काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो यूनियन के उपाध्यक्ष शिव सेवक उपाध्याय ने यह भी कहा है कि कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की मौत हो गई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, और साथ ही कोरोना काल में हजारों कर्मचारियों के पैसे काटे गए हैं और इसकी आखिर वजह क्या है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी रद्द करके नई पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल सुविधाओं में भी सुधार किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में नादरगंज चौकी इंचार्ज ने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को फल बांटे, इसके साथ ही उन्होंने कान्हा उपवन में गायों को खाना खिलाया। तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि चौकी इंचार्ज का नाम दिनकर वर्मा है, और ये मिसाल उन लोगों को समझना जरूरी है जो बड़े बड़े होटलों में अपने बच्चों को ले जाकर पार्टी करवाते हैं, लेकिन इस तरह की जो मिसाल पेश की गई है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर चौकी इंचार्ज ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि ये मिसाल उन लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है जो बड़े बड़े होटलों में अपने बच्चों का जन्मदिन मना के लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। अगर पुलिस महकमे के एक छोटे से चौकी इंचार्ज ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं तो और भी लोगों को आगे आना चाहिए, जिससे उन गरीबों को कम से कम एक दिन के लिए राहत मिल जाएगी जो रोटी के लिए तरसते हैं। वहीं जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने 65 साल की महिला की निर्मम हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर कुठौन थाना प्रभारी अरुण कुमार तिवारी पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला अपने छोटे नातियों के साथ घर पर रहती थी, जबकि उसके पति मंदिर पर रहते थे। वहीं अज्ञात बदमाशों ने घर में रखे रुपयों को चुराने का भी प्रयास किया है और महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हाँ, यह थाना हदरुक क्षेत्र के गांव मड़ोरा की घटना है। आज सुबह पुलिस को जानकारी हुई है, विद्यावती हैं करीब 70 साल की। इनके गले पे दोनों तरफ किसी शार्प नुकीली चीज से इनका मर्डर किया गया है। एक ट्रैक्टर चालक है जो उनकी खेती बाड़ी, ट्रैक्टर इनका था अपना पहले से, तो ये किराए पे खेती लेके करते थे। कुछ पैसे वैसे बता रहे हैं लोग कि रखे हुए थे, वो वजह है या कोई और वजह है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस टीम है, फोरेंसिक टीम भी आई हुई है, सर्विलांस सेल आ रही है। किसी बच्चे बता रहे हैं कि ये इनकी दादी जो है रात को किसी से बात कर रही थी। अगर बच्चे सही बोल रहे हैं तो मोबाइल कब्जे में नंबर लेकर उसका CDR निकलवाएंगे और घटना। वहीं रायबरेली में SP के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बछरावा थाना के अंतर्गत बंधन बैंक के कर्मचारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस और SOG ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 77,400 रुपए नगद, एक मोबाइल फोन और एक तमंचा भी बरामद किया है।
ये 24 तारीख को थाना बछरावा में बंधन बैंक के कर्मचारी आ रहे थे, जिनको बाइक सवार तीन लोगों ने जिनका बैग छीन लिया था, जिसमें 1,10,000 रुपये थे। इस घटना के अनावरण के लिए थाना बछरावा और SOG टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 1 योजनाकर्ता और 3। वहीं शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 450 ग्राम चरस बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिजलापुर गांव के पास एक युवक चरस की तस्करी के लिए मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तस्कर के पास से एक प्लास्टिक के थैले में 450 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वाले जो अपराधी हैं, उनके विरुद्ध निरंतर जनपद में कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में थाना रामचंद मिशन को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। मुखबिर की सूचना पर रामचंद मिशन की पुलिस टीम द्वारा पप्पू पुत्र छुटकन्नू, ये रहने वाला ग्राम भरगवा का है, जो थाना सहरम और दक्षिणी में है, इसके कब्जे से 450 ग्राम। वहीं संभल में महिलाओं और एक युवक की लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं और एक युवक के साथ लाठी डंडे और ईंट से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस वायरल वीडियो की जानकारी के बाद मामले की जांच में जुट गई है। तो संभल से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर मारपीट का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मारपीट की जा रही है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में कुछ युवक ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं और एक युवक के साथ लाठी डंडे और ईंट से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस वायरल वीडियो की जानकारी के बाद मामले की जांच में भी जुट गई है। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश की वजह से प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच जमकर विवाद हुआ। थोड़ी ही देर में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में पूर्व प्रधान के रिश्तेदार भी घायल हो गए। इसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फायरिंग के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। गोलीकांड एक पेशेंट है का नाज 25 ईयर का है, रजौड़ी का है, और उसका थाना सुल्तान पुरवार लगता है। क्या स्थिति है पेशेंट की? स्थिति सीरियस, उसको रिफर लखनऊ कर दिया गया है। वहीं रायबरेली के CO ट्रैफिक डॉक्टर अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने मोटरसाइकिल से घूमकर ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चेकिंग के दौरान उन्होंने हर चौराहे पर पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही इस दौरान जो लोग बिना हेलमेट के दिखाई दिए उनका चालान भी किया गया। इसके अलावा चौराहे पर खड़े होकर पेट्रोल पंप का निरीक्षण करते हुए लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की। कप्तान साहब के द्वारा जो उनके निर्देश में चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, तो उनके निर्देश पर चेकिंग पॉइंट को चेक करने के लिए मैं स्वयं बिना नंबर की बाइक और बिना हेलमेट के निकला। उसमें लगभग सभी पॉइंटों पर मुझे रोका गया, रोक के मेरी तलाशी ली गई और मेरा चालान काटा गया। एक जगह पर वही रसीद दिखा के मैं अन्य जगहों पर बराबर निकलता और पॉइंटों को चेक करता हुआ जा रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि जिन पॉइंटों को सर ने निर्धारित किया था, उन सभी पॉइंटों पर प्रारंभ चेकिंग चल रही है, और इसी बहाने जो अन्य संदिग्ध जगह हो सकते हैं उन पर भी नजर पड़ी। बस्ती में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ रही घटनाओं से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मामला गौर थाने के टिनिच चौकी क्षेत्र के पास का है, जहां दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने अधेड़ की हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गौर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो बस्ती से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही घटनाओं से लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। ये मामला गौर थाने के टिनिच चौकी क्षेत्र के पास का है, जहां पर
दिनदहाड़े अज्ञात बदमाशों ने एक अधेड़ की हत्या कर दी। वहीं हत्या को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। 2 जुलाई को थाना गौर के ग्राम आमा के रहने वाले पंचराम मौर्य की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में हो गई थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। वो सभी बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं। वहाँ के गांव चौकीदार की तहरीर के आधार पर उनकी मृत्यु के संबंध में 302 का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ लिखा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पंचराम मौर्य की मृत्यु सर पर आई हुई चोटों के कारण होना पता चला है। पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। अपनी मृत्यु से पूर्व पंचराम मौर्य ने अपने पुत्रों पर संपत्ति की बात को लेकर के एक कंप्लेंट भी थाना गौर पर दी थी। पुलिस अभी सभी पहलुओं पर देख रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।